नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मैं लेता हूँ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसमें जो उसके रूट्स आएंगे उसका नेचर क्या होगा वो हमें जानना है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इज 6x² + 11x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है वो कितना है, 6 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 3 है। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 18 जो है वो पॉजिटिव 18 है, तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स लाने हैं कि उसका एडिशन कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो वो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे 9 × 2 = 18, और 9 + 2 करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। दिस इंप्लाइज ये जो पहला ग्रुप है उसके अंदर से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 3x, सो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 3। और दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम 1 कॉमन लिख सकते हैं, सो +1 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2x + 3 = 0। दिस इंप्लाइज 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1 = 0। सो दिस इंप्लाइज 2x + 3 = 0 और 3x + 1 = 0। सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x = -3/2 और x = -1/3। सो यहाँ पे देखो कि दोनों जो उसके रूट्स है वो डिफरेंट है और दोनों रियल नंबर्स है। अब और एक क्वेश्चन लेता हूँ, डेट इज क्वेश्चन इज 4x² - 12x + 9 = 0। यहाँ पे भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो ये 9 × 4 = कितना हो जाएगा, 36। 36 के ऐसे फैक्टर्स लाने हैं मुझे कि एडिशन उसका कितना आ जाए, -12 आए। सो वो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे 6 × 36, और एडिशन मुझे -12 लाना है तो मैं फैक्टर्स क्या लूंगा, -6 × -6। सो इसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, डेट इज 4x² - 6x - 6x + 9 = 0। दोनों ग्रुप के अंदर से अब हम कॉमन निकालते हैं। सो ये जो पहला ग्रुप है उसके अंदर से क्या कॉमन मिलेगा हमें, दैट इज 2x, और ये जो दूसरा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 3 दूसरा ग्रुप है उसके अंदर से -3 कॉमन निकालेंगे। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, दैट इज 2x - 3 = 0। दिस इंप्लाइज 2x - 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x - 3 आएगा = 0। तो इसके ऊपर से हमें देखो दोनों जो रूट्स है उसके वो सेम मिलेंगे, x = 3/2 और x = 3/2। सो ये केस है, इसमें रूट्स हमें रियल तो मिले लेकिन दोनों जो रूट्स है वो इक्वल है। अब और एक क्वेश्चन लेता हूँ, दैट इज क्वेश्चन इज 5x² - 4x + 1 = 0। अब इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 5, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 1। दोनों की आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट कितनी आएगी, 5 × 1 = 5। अब 5 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं कि एडिशन आपको 4 मिले, तो 5 का ऐसा आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा जिसका एडिशन आपको 4 मिले। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप कोई भी रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे। पहले क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि दोनों जो रूट्स है वो रियल मिले और डिफरेंट मिले। दूसरा जो क्वेश्चन लिया हमने उसमें दोनों रूट्स हमें रियल मिले बट वो इक्वल मिले, और जो ये तीसरा क्वेश्चन हमने लिया उसके अंदर हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। सो ये हुए नेचर ऑफ द रूट्स। तो कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो तो उसके 3 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं, या तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, या तो वो रियल एंड इक्वल रूट्स, या तो फिर नो रियल रूट्स। तो ये अगर हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला जानते हैं अब हम। सो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी, सो d = b² - 4ac। हाँ तो स्टूडेंट्स, जब ये आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे और डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। सो वो केस के अंदर आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है देन 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आता है देन नो रियल रूट्स होंगे आपको। सो जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस देखे उसके अंदर ये हम ये फॉर्मूला वेरीफाई करके देख ले,
तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया था दैट इज 6x² + 11x + 3 = 0। उसके अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसको कंपेयर करें तो जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट ए है उसकी वैल्यू कितनी है 6 है, जो बी है लीनियर कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू कितनी है 11 है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, दैट इज b² - 4ac, d = b² - 4ac। सो ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 11² - 4 × 6 × 3। सो दैट इज हो जाएगा 121 - 72 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49। तो 49 देखो कि आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। सो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है देन गिवन इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स। और फर्स्ट केस जो हमने देखा था उसके जब रियल हमने रूट्स फाइंड किए तो रूट्स भी हमें दोनों डिफरेंट मिले थे और वो रियल थे। तो ये वेरीफाई होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट एंड रियल रूट्स होते हैं। सो अब जो दूसरा क्वेश्चन लिया था उसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो क्या था, 4x² - 12x + 9 = 0। अब यहाँ पे देखो आप a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है -12 और c जो है वो 9 है। सो डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिलेगा, b² - 4ac = -12² - 4 × 4 × 9। सो दैट इज हो जाएगा 144 - 144 = 0। सो ये हुआ कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो आप देखो कि ये क्वेश्चन में जब हमने आगे रूट्स फाइंड किए तो दोनों रूट्स हमारे इक्वल थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो था हमारा 5x² - 4x + 1 = 0। यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1 है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, दैट इज इक्वल टू 4² - 4 × 5 × 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 - 20, दैट इज इक्वल टू -4 एंड विच इज लेस देन 0। सो इन दिस केस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और आपने देखा कि वहां पे भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाए थे इसलिए हमें रूट्स रियल रूट्स नहीं मिले थे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से आप जान सकते हो कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उसका नेचर क्या है।